फोकस एंड प्रिजर्विनेंस इज अबाउट कीप वर्किंग इन वन डायरेक्शन अंटिल यू गेट सक्सेस. एक ही डायरेक्शन में काम करते रहो. कि लाइफ में कोई ना कोई गोल होता है कि अगले 3 साल में, अगले 5 साल में मुझे ये करना ही करना है. ऐसे हो कि हमारा माइंड उस गोल पे फिक्स हो जाए. हमने काम करना शुरू किया था उस गोल के ऊपर, तब आपकी एक रिलेशनशिप थी किसी के साथ में पिछले कुछ सालों से, वो एकदम से खत्म हो गई. क्या हुआ, हम गोल से हट गए पूरी तरह से. ऐसा कैसे हो कि हम जो भी हमारा गोल है उस पर पूरी तरह से फोकस्ड रहे. यानी जब हमारे हिसाब से कुछ हो रहा होता है लाइफ में, तब हम ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे होते हैं. और जब हम हार रहे होते हैं तो हमारी जो नेचुरल गेम होती है उससे लेवल बहुत नीचे हो जाता है. धीरे धीरे गेम ही छूटने लग जाती है, गेम में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है. इससे हम अपने गोल की तरफ काम करते रहे, चाहे कम करें चाहे ज्यादा करें, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, करते रहे. यहां पे कोई एफर्ट नहीं होता. जब हमारी गेम नेचुरल से नीचे गिर जाती है तो एफर्ट होता है उसको उठाने का. जब बहुत ऊपर चली जाती है तो एफर्ट होता है उसको बनाए रखने का. तो एफर्ट ना हो, एफर्टलेस हो, एफर्ट ना लग रहा हो, यही लाइफ का गोल नहीं होना चाहिए. या लाइफ का गोल ये होना चाहिए कि बहुत एफर्ट लगा लगा करके आपको काम करने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो काम ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता है. ऐसा अगर आपने कोई गोल सेट कर लिया जिसके लिए आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ रहा है, तो क्या प्रैक्टिकल है उसको अचीव? कोई एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है, आउटपुट उससे ज्यादा आ रहा है. फिटनेस तो हमको चाहिए ही ना, जैसे पैसा चाहिए ही. तो दो तरीके हैं फिटनेस को अचीव करने के. एक ये है कि कोई ऐसा काम जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि जिम, उसको अचीव करने की. वहां पे एफर्ट बहुत लगने वाला है लेकिन रिजल्ट इम्पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि उस काम में इंटरेस्ट नहीं है. आपको बताया बैडमिंटन, डेली 1 घंटा बैडमिंटन खेलता हूं, वहां पे एफर्ट क्या है? रिजना है, उससे ज्यादा ही जबरदस्ती करना पड़ रहा है फिटनेस के लिए. तो ऐसे ही जबरदस्ती कोई काम करना पड़ रहा है पैसे के लिए. ये जो फंडा हमने फिटनेस में लगाया, क्या इसको पैसे में नहीं लगा सकते? पैसा कमाने का क्या एक ही तरीका है दुनिया में, जिस तरह से सब कमा रहे हैं? मुझे वही करना चाहिए ना जो मेरा पैशन है, जिस काम में मेरा इंटरेस्ट है. हम क्या कर रहे हैं कि गोल सेट करने से पहले क्या करना चाहिए उसकी भी बात कर रहे हैं यहाँ पर. कि अगर मेरा गोल फिटनेस है अगले 1 साल में, और अगर मैं जिम के थ्रू अचीव करता हूँ, कितना भी अपने अंदर से जोर लगा लूँ, कितना भी कुछ भी कर लूँ, वो रिजल्ट नहीं आ सकता, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट नहीं है. बड़ा बोरिंग लगता है. आई एम नॉट इंटरेस्ट, किसी और के लिए हो सकता है इंटरेस्ट, मेरे लिए नहीं. पैसे से रिलेटेड आपके जो गोल्स हैं, क्या उसमें मेरा इंटरेस्ट है या नहीं है? या गोल अचीव होने के बाद जो मिलेगा उसमें इंटरेस्ट है? दोनों में बड़ा फर्क है. वहां एफर्ट बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा और रिजल्ट मिलने के चांसेस बहुत. एफर्ट लगाना बंद कर दोगे या नेचुरली वहां पे आप नहीं कर पाओ. जब भी कुछ भी अननेचुरल होता है तो उसको हम सस्टेन नहीं कर सकते. बट अगर आपको बोला जाए कि पूरे दिन इसी तरह से आपको ब्रीथ करना है, धीरे धीरे ब्रेथ लेनी होगी. अननेचुरल हो गया वो आपके लिए, तो ठीक है ये करो, उसके बाद में 10 लाख रुपए मिलेगा, आ मैं तैयार हूं, मैं करूंगा. कर पाओगे क्या? नेचुरल टेंडेंसी है, नेचुरल जो कंपोजिशन है आपके बॉडी माइंड जो स्ट्रक्चर है उसके, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे आप कर सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं कर सकते. उसमें आपका इंटरेस्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चल जाएगा, बिल्कुल ही उससे अपोजिट है जो आपकी पर्सनैलिटी है, तो फंस गए. फूलिश वे टू लिव योर लाइफ एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट वे टू लिव योर लाइफ. इंटेलिजेंट वे ऑफ लिविंग क्या है? ऐसा काम आप कर रहे हो जिसको करने के लिए अगर आपको पैसा नहीं भी मिलता है तब भी आप करोगे, और फिर ऊपर से पैसा भी बहुत मिल रहा है, ये मोस्ट इंटेलिजेंट वे ऑफ लिविंग नहीं है? जो जानवरों से भी नीचे है वो क्या है, ध्यान से समझना. आपने कमा लिया पैसा, आपके पास में पैसा है, फिर भी आप पैसे के लिए जी रहे हो. उससे भी नीचे का लेवल नहीं हो गया? इससे भी नीचे एक लेवल है, वो मैं बता देता हूं. वो पता नहीं आप में से कौन है कौन नहीं है, मतलब उनके पास में पैसा है फिर भी ऐसे लोगों का पैसा मार रहे हैं जो करप्ट लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोगों से पैसा ले रहे हैं जिनके लिए वो पैसा लाइफ लाइन के जैसा है. कोई ऐसा बंदा है जो प्यास से तड़प रहा है 10 दिन से, उसको अगर वो 1 ग्लास मिल जाए तो वो जिंदा रहेगा, उससे भी वो 1 ग्लास छीन रहे हैं, और खुद के पास कुएं खुदे पड़े हैं. ये उससे भी नीचे का लेवल है, ये सबसे नीचे का लेवल है. तो हाईएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस क्या है? कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो विच यू आर पैशनेट अबाउट, जिसका सिर्फ आपकी लाइफ के लिए नहीं औरों के लिए भी कुछ मीनिंग हो. यानी जब आप जाओ इस दुनिया से तो एटलीस्ट ये हो कि हाँ यार ये बंदा इस दुनिया में आया तो उसने कुछ तो किया आपके इस दुनिया में आने की वजह से. किसी एक बच्चे की लाइफ बेटर हो गई तो क्या मीनिंग आया लाइफ में? नहीं आया. यानी सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे हो. जानवर का मतलब क्या है? सिर्फ अपने लिए जिए, अपने लिए मरे. कुछ ऐसे लोग जो बदले में हमको कुछ नहीं दे, इसके लिए भी पूरे दिल से कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं.
अपना नुकसान एक बार को फिर भी होने दोगे, लेकिन अपने फायदे के लिए किसी और का नुकसान किसी हालत में नहीं करोगे। टेंशन किसी का कुछ गलत करने की नहीं है, यानी आपने कुआं खोदा इसलिए कि आसपास के गांव वाले पानी पिए वहां पर आकर के। कोई लड़का जिसको किसी लड़की ने छोड़ दिया, वो कूद भी तो सकता है ना जाकर के, जिसको तैरना नहीं आता है, मर गया। किसकी वजह से मरा? कुएं की वजह से तो मरा। कुआं किसने खोदा? मैंने खोदा। तो क्या मैं रोऊं? बैठ रहे थे, कुछ अच्छे के लिए हम कर रहे थे, लेकिन हो गया है कुछ बुरा। अब उसके बाद भी अपने गोल पे फोकस कैसे रहे? कि हमारा जो माइंड है वो बार बार वहां ना जाए, वो यहीं पे रहे। हम कुछ कर रहे होते हैं, उसका आउटकम जब हमारे हिसाब से नहीं आता है, यानी मैं खेल रहा हूं और एक गेम हार गया, दूसरी गेम हार गया, तीसरी गेम हार गया, बुरा लगने लग जाता है, गुस्सा आने लग जाता है, तब हम अपने गेम को उठाने की कोशिश करते हैं। जितना उठाने की कोशिश करते हैं उतना ही गिरता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा जोर लगा रहे हैं। जितना जोर लगा रहे हैं उतना हम थक रहे हैं। वहां पर स्मैश नहीं मारना है, गैप्स को ढूंढना है, शटल को क्या डायरेक्शन देनी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेहनत करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगे रहना डायरेक्शन इसी जगह पे शटल को पहुंचाना जहां पर दूर दूर तक कोई ना हो, चाहे तेज चाहे धीरे, दैट इज सेकेंडरी। वहां पर कई बार तेज भी पहुंचाना होता है, तेज मारना होता है, कभी बहुत धीरे मारना होता है, कभी बहुत ही धीरे, हल्का सा टच किया,